सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, अगर आपको विड्रॉल ब्लीडिंग आईपी लेने के बाद हुई है तो ये ब्लीडिंग आपको कितने दिन तक रहेगी, आपके जो पीरियड्स हैं वो कब आएंगे, प्रेगनेंसी का रिस्क तो नहीं है, तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, अगर आपने आईपिल टैबलेट ली है और अगर आपको विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, ये 2 से 3 दिन का ही मैक्सिमम होता है। फ्लो रेट की बात करें तो ये आपके पीरियड साइकिल से कम ही होता है, जितनी आपको पीरियड में ब्लीडिंग होती है उतनी नहीं होती है, उससे कम ही होती है। और कितने दिन होती है, 2 से 3 दिन तक ही होती है, लेकिन कई केसेस में ये 5 दिन तक होती है, 5 दिन से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको 5 दिन से ज़्यादा भी परसिस्ट कर रही है विड्रॉल ब्लीडिंग, तो आपको नियरेस्ट डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है, क्योंकि फिर आपको आगे हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं अगर ब्लीडिंग 5 दिन से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करें कि क्या विड्रॉल ब्लीडिंग के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। तो गाइज देखिए, विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है आईपी लेने के बाद, और जो आई पिल है ना, ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% सेफ हो और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जैसे आई पिल और अनवांटेड 72 को लेने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, 100% सेफ नहीं है। ठीक है, अगर आपको विड्रॉल ब्लीडिंग होती है तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है कि नहीं है। अब जो विड्रॉल ब्लीडिंग है ना, इसका फ्लो रेट थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन पीरियड से कम होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन का जो फ्लो रेट है ये बहुत ही कम होता है। स्पोर्टिंग टाइप की ही ब्लीडिंग होती है, और इसमें फीमेल्स को ना पैड यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इतनी कम ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर विड्रॉल ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा है और पैड्स भी अच्छे यूज़ हुए हैं, 3 से 4 दिन तक विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं हैं। आगे की जब आपको विड्रॉल ब्लीडिंग होगी तो आपका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आएगा। तो गाइस देखिए, आईपिल को लेने के बाद, क्योंकि आईपिल जो टैबलेट है एक हार्मोनल पिल है, और इसके अंदर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है लेवन और जेस्ट्रोल, और 1.5 मिलीग्राम की एक हार्मोनल पिल है। जब आप इस टैबलेट को खाओगे ना, तो आपके अंदर ये जाते ही जो आपका नेचुरल हार्मोन्स का बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर विड्रॉल ब्लीडिंग कॉज होती है। ठीक है, तो जो आपका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल था ना, वो अराउंड 4 to 6 वीक्स के अराउंड ही आता है। ठीक है, मतलब क्या है कि कई फीमेल्स जिनका पीरियड साइकिल, मान के चलें कि 10 तारीख को उनको हर मंथ पीरियड आता है, ठीक है, उन्होंने आईपील टैबलेट ली 20 तारीख को, विड्रॉल ब्लीडिंग हुई 23 या 25 तारीख को, तो फिर वो 10 तारीख को ही मान के चलते हैं कि उनको पीरियड आना चाहिए, फिर वो बिना वजह टेंशन लेते हैं, वरीड होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आपने वेट करना है 23 से 25 तारीख का, मतलब कि जिस दिन आपको विड्रॉल ब्लीडिंग हुई थी उसी दिन आपको आपका पीरियड आएगा। ठीक है, उसी तारीख को आपने अपना पीरियड का पहला दिन काउंट करना है, और मैक्सिमम 6 वीक्स का ही आपने वेट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड का अगर आप वेट करोगे तो आपको ओवरियन सिस्ट या फिर फॉलिकुलर सिस्ट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो बेटर यही होगा कि आप किसी नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको पीरियड्स वापस लाने की मेडिसिन दे देंगे, और कुछ अलग मेडिसिन भी होती है जिससे आपका जो हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हुआ था वो भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपका प्लीज स्टे हेल्दी, स्टे फिट।